एयरपॉड्स बहुत कूल गैजेट है और इसका केस थोड़ा बोरिंग होता है, पर एक 3D पेन से हम इसे बहुत मजेदार बना सकते हैं। सबसे पहले केस पर वर्टिकल लाइंस बनाएं, लाइंस को साथ साथ जोड़ते हुए पूरे केस पर बनाते जाएं, बटन के आसपास भी और केस के नीचे के हिस्से को भी कवर करें लाइटनिंग पोर्ट को छोड़ते हुए। जब ये हो जाए कलर बदलें और ढक्कन पर सर्कल बनाएं। 3D पेन स्टिक से इसके ऊपर ट्रायंगल बनाएं, अब फूल बनाएं और आखिरकार थोड़ी आईलैशेस। ये बन गया आपके एयरपॉड्स के लिए यूनिकॉर्न केस। हे जरा ये देखो कितना प्यारा है ना। मैं जानती हूँ मेरा केस तो बहुत प्लेन है। वाओ ला ला ला। फिर मेहनत का काम है, ये कैसे हो सकता है? कमाल की डिस्कवरी है। बस आराम से, ये तो रोमन पॉटरी का एग्जाम्पल है। मैं फेमस हो जाऊंगा। मुझे इसे कहीं सुरक्षित रखना होगा। ओ, ये शेल्फ काम आएगी, कितना खूबसूरत है। अब हम सफाई करेंगे, हर जगह डस्ट है। हाँ ये कप यहाँ क्या कर रहा है, कितना पुराना सा है। मैं जानती हूँ इसका क्या करना है। कप को उल्टा रखें, एक एल्यूमिनियम बॉल की शीट लें और इसके एक बॉल बना दें। एल्यूमिनियम बॉल के ऊपर थोड़ी सी ग्लू लगाएं। अब इसे कप के बेस पर चिपका दें। ऐसे ही और 3 बॉल्स लगाएं। इस तरह एल्यूमिनियम फॉल को शेप दें और कप के साइड पर लगा दें और दूसरी साइड फॉल की एक लंबी स्ट्रिप लगा दें। अब फॉल के ऊपर कलर्ड ग्लू डालें, कोई भी जगह ना छोड़ें। कप को भी ग्लू से ढक दें। पहले रिम से शुरू करें और फिर ग्लू को नीचे आने दें। जब ये सेट हो जाए तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। एक स्माइली फेस भी बनाना, ये काफी बेहतर है। हे, तुमने मेरा आर्टिफैक्ट देखा? वो एक छोटा सा कप था, काफी पुराना दिखता था। ओ, मैंने उसे ठीक कर दिया, देखो। ये कैसा मजाक है, मेरी इतनी मेहनत खराब हो गई। तुम्हें पसंद नहीं आया? मेरी सबसे अच्छी क्रिएशन। हाय, मुझे ये जगह बहुत पसंद आई। ओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। ओ, एक पेन। ये कोई आम पेन नहीं है। मेरे पास पहले से ही लेजर पेन है। अच्छा ठीक है, तो ये कैसा रहेगा? ये दिखने में लिपस्टिक है पर देखो। हाँ, अच्छा लगा। हाँ ड्यूड, मेरे पास ये पिछले साल से है। ठीक है, इसे बेचना मुश्किल है। जरा सोचने दो। ओ, मैं समझ गया, थोड़ा जल्दी कर दोगे? इससे सब दिखता है। सच में? जरा इन्हें देखो, मैं ये इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब मैं क्या करूँ? समझ गया, मेरे पास ये है। टूटे हुए ग्लासेस को एक जगह पर रखें। 3D पेन से अब इसे जोड़ें। ग्लासेस के फ्रेम पर इसे लगाते जाए। अब फ्रेम के ऊपर भी यही करें। जब ये हो जाए तो इसकी डंडी जोड़ें और इसके ऊपर भी 3D पेन चलाएं। पूरे पर यही करें। पता भी नहीं चलेगा कि ये कभी टूटे भी थे। मैंने जोड़ दिए, ये स्टाइलिश है ना। ओ, मुझे ट्राई करने दो। खैर, तुम्हें कैसा लगा? ये तुम ही रखो। पर ओ, मैं समझ गया और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ला ला ला। बहुत समय लग रहा है, मुझे बहुत भूख लगी है। ओ, तो हम खाएं? बिल्कुल। ओ, फैंसी, ये लो। कितना रोमांटिक है, लगता है तुम कुछ भूल गए। हमें चम्मच क्यों चाहिए? ठीक है, देखो। टेस्टी। बहुत गंदा है पर ये प्यारा भी है। तुम नहीं खा रही? नहीं, ऐसे ही ठीक हूँ। पर मैं चाहता था तुम्हें पसंद आए। मैं अपने बैग में देखता हूँ। एक अंडा, ये यहाँ कैसे आया? एक 3D पेन। रुको, मेरे पास एक आइडिया है। एक अंडा लें और 3D पेन से इसके ऊपर ड्रॉ करें। अंडे पर एक स्पाइरल बनाएं, बिल्कुल इस तरह। अब स्पाइरल के आसपास भी लाइंस ड्रॉ करें। इसे फिल करना शुरू करें। जब ये हो जाए तो प्लास्टिक को अंडे से निकाल लें और इसके ऊपर हैंडल लगा दें। ये बन गया स्पून। अब 3D पेन से कुछ डिटेल्स बना दें। हम एक पॉ प्रिंट बनाएंगे, थोड़ी सी और डिटेल्स भी। अब चम्मच के अंदर एक चेहरा भी बना दे। हे यसी, मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया। मेरे लिए? मुझे पसंद आया।
यम्मी। वाह, अपना खाना चबा कर खाओ। आज का दिन सबसे अच्छा है। हम अब कभी भी रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। पर तुम कमाल हो। अब हम कुछ खाएंगे। वाह, वो मेरी ड्रीम गर्ल है। हर कॉप को डोनट्स पसंद होते हैं। मैं कंफर्टेबल हो जाती हूँ। बहुत मजा आएगा। वो अच्छे लग रहे हैं। अभी नहीं। ये इतना लाउड क्यों है? हेलो, काश मैं उसे अपनी बाहों में ले पाता। मेरी डोनट्स, अब मैं उन्हें नहीं खा पाऊंगा। काश मैं कुछ कर पाता। सोचो मैं उसे इम्प्रेस कैसे करूं? ओह, लगता है मैं समझ गया। आहा, 3D पेन से एक सर्कल बनाए, बाहर की तरफ घुमाते जाए ताकि ये सर्कल बढ़े। जब आपको सही साइज मिल जाए तो आप 3D पेन से इसकी हाइट बढ़ाएं। बस इसके ऊपर ऊपर लेयर्स बनाते जाएं। ये करते करते बीच तक आ जाएं और फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, एक मिनी डोनट। अलग अलग रंग इस्तेमाल करें और फ्रॉस्टिंग भी लगाएं। देखकर ही भूख लग गई। अच्छा लग रहा है। अब इस पर स्प्रिंकल्स और चेन लगाएंगे। कितना बढ़िया गिफ्ट है। वाह, उम्मीद है उसे पसंद आए। मैं आ रहा हूँ मेरी जान। हे, पस्ट। अब तुम्हें क्या चाहिए? इधर आओ। ये कोई चाल तो नहीं? मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ओ, ये खूबसूरत है। मुझे पसंद आया। तुम कितने प्यारे हो। माफ करना। नहीं, अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं ये 3D पेन इस्तेमाल कर सकती हूँ। ये बहुत आसान होगा। मैं इस गैप में ये लाइंस ड्रॉ कर दूंगी। इससे इसका एक बेसिक फ्रेम तैयार हो जाएगा। अब इस तरह से लाइंस बनाएंगे तो एक मेश बनेगा जिससे ये और सिक्योर रहेगा। अब इसे फिल करते हैं। अब मैं इसमें पास पास लाइंस बनाऊंगी। हाँ, इतना काफी है। अब मैं टॉयलेट इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो अंदर कर क्या रही है? आखिरकार उन्हें बहुत जल्दी होगी। हे, हाय ब्रायन। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। अरे वाह, ये मेरे लिए है। इसे खोलते कैसे हैं? रुको। अरे नहीं, मेरा हीरो। बाल बाल बचा। हाँ, ओ, मेरे पास एक आइडिया है। अपना आईफोन बचाने के लिए आपको बस एक ग्लू गन चाहिए। आईफोन के कोनों पर ग्लू लगाना शुरू करें। ध्यान रहे, कैमरा बचाकर फोन के साइड पर ग्लू को गिरने दे। हम चाहते हैं कि फोन सेफ रहे। अब इसे बाकी जगह पर फिल कर दे। अच्छे से ग्लू लगाए ताकि मोटी लेयर बनी रहे। जब फोन कवर हो जाए तो ग्लू को सेट होने दे। अब फालतू की ग्लू हटा दे और ये बन गया एक अनोखा फोन केस। तुम्हें कैसा लगा? ओह, ये तो कमाल है। शुक्रिया ब्रायन। ओप्स, 3D पेंस और ग्लू गन से काफी चीजों का हल निकल सकता है और ये बहुत काम के हैं। आपका मनपसंद क्राफ्ट कौन सा है, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।